दोस्तों, अभी मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पर 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हो 9 बज के 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है हम चेक करेंगे। ओके सो दोस्तों, आज भी हम लेट उठे थे तो हम यहाँ पर आज चाय भी यहाँ पर ही ट्रेड करते करते ही चाय नाश्ता करेंगे। सो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट कोई क्लियर डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है और आज अभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या हो रहा है। ओके सो यहाँ पर मॉर्निंग में हमने रिलायंस में एक ट्रेड लिया था, यहाँ पर एक अच्छी सी हेल्दी कैंडल बनी तो यहाँ पर हमने रिलायंस को शॉर्ट किया यहाँ पर, लेकिन यहाँ से नीचे आया और फिर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, यहाँ से मार्केट घूम गया और यहाँ हमारा एक मेजर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे। ओके यहाँ पर देखो आप, हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा SL हिट हो गया। सो यहाँ पर अभी हमने एक और यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये आप कैंडल देख रहे हो, ये जैसे ही नीचे आ रही थी एक हमने थोड़ा सा यहाँ पर इंडसइंड बैंक में स्कैल्पिंग किया और यहाँ से यहाँ तक EMA तक यहाँ पर एक सपोर्ट था तो हमने यहाँ से एक स्कैल्प में प्रॉफिट बुक किया, आप देख सकते हो। सो अभी यहाँ पर हमारा आधा सा लॉस कवर हुआ है। सो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। सो राइट नाउ दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी एक कोटक महिंद्रा बैंक में ट्रेड लिया था, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और जैसे ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके जब भी ये 9 EMA के नीचे यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर हमने एक अच्छी सी एक स्कैल्पिंग किया और यहाँ पर हमने एक लॉस कवर किया है, आप देख सकते हो। सो राइट नाउ दोस्तों, यहाँ पर हमने एक HDFC में यहाँ पर ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये EMA को रिजेक्शन दिया और यहाँ पर एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाई तो यहाँ पर हमने यहाँ पर HDFC बैंक को शॉर्ट किया और यहाँ से एक स्कैल्पिंग का टारगेट लिया। सो ऑलमोस्ट हमारा लॉस कवर हो चुका है। सो अभी आगे देखते हैं कि आगे कुछ ट्रेड मिलता है तो करेंगे, वरना आज मार्केट हमारी फर्स्ट ट्रेड में हमारे फेवर में नहीं था तो हमने धीरे धीरे करके अभी यहाँ पर लॉस को कवर किया है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी लॉस हो तब शांति से बैठे रहो, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो राइट नाउ दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी एक MFSL में एक और ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन दो थी उसको ब्रेक किया और हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक किया, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर नीचे की साइड नीचे की तरफ आई, देख सकते हो आप। यहाँ पर हमने एक स्कैल्पिंग मूव कैप्चर किया और यहाँ पर हमारा सारा लॉस कवर हो चुका है। सो अभी नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या करते हैं। सो राइट नाउ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 19,440 के लेवल को यहाँ पर मार्केट ब्रेक ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक अच्छा सा यहाँ पर देख सकते हो एक स्पाइक आया, फिर यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पर रिजेक्शन लेके यहाँ पर नीचे भी एक स्पाइक आया, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक जिगजग पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर मार्केट ऊपर तो जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, यानी कि जो टाइम बिता के मार्केट ऊपर जा रहा है वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया है। अभी तो हमारा जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया है, अभी देखते हैं आगे कोई ट्रेड मिले तो कुछ करेंगे, वरना आज तो कुछ नहीं करेंगे। सो राइट नाउ दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पर EMI को भी ब्रेकआउट किया और ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट आई और यहाँ पर जो हमने ये स्कैल्पिंग में जो कवर किया है आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने हमारा पूरा लॉस कवर कर दिया और यहाँ पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, आप देख सकते हो, ये हमारा PNL देख सकते हो। सो अभी हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सो मिलते हैं टुमारो, टिल देन सी यू, बाय बाय, जय हिंद।